तो हम बात कर रहे हैं बच्चों ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है बच्चों? ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है जिसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है और आउटपुट इम्पीडेंस बहुत कम होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक वर्सेटाइल डिवाइस होता है जो एसी व डीसी सिग्नलों को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है बच्चों वो एक स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए भी डिजाइन किया जाता है, जैसे कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर होता है जिसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है और आउटपुट इम्पीडेंस बहुत कम होता है। बच्चों ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को नॉर्मली या शॉर्ट में हम लोग ओपेम बोलते हैं, ओपेम। अब बात कर रहे हैं बच्चों सिंबल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सिंबल ऑफ ओपेम, सिंबल ऑफ ओपेम। बच्चों ऑपरेशनल एम्पलीफायर में तीन टर्मिनल होते हैं, दो इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल। जैसे इसका सिंबल देखो ये होता है, ये आपका एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसमें आपका दो इनपुट, ये वी वन और वी टू, ये दो इनपुट है और ये एक आउटपुट टर्मिनल है वी ओ। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर निगेटिव साइन है बच्चों, इसको बोलते हैं ओपेम। दिस इज द सिंबल ऑफ ओपेम। यहाँ बच्चों जो दो इनपुट टर्मिनल हैं उसमें एक टर्मिनल जो होता है इनवर्टिंग टर्मिनल होता है और एक टर्मिनल जो होता है वो आउटपुट टर्मिनल नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल होता है। जैसे मान लीजिए जो प्लस साइन के साथ टर्मिनल दिखाया गया है ये वी टू, ये इसको बोलते हैं नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल, नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल। और ये जो होता है आपका आउटपुट या आप बोल सकते हैं इनवर्टिंग टर्मिनल। तो देयर आर टू इनपुट टर्मिनल, फर्स्ट वन इज इनवर्टिंग टर्मिनल एंड सेकेंड वन इज नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल, और ये आपका जो है आउटपुट टर्मिनल है। बच्चों इनपुट टर्मिनल जो आपके हैं इनवर्टिंग टर्मिनल का मतलब क्या होता है? ऐसा टर्मिनल जिसके इनपुट पर आप कोई सिग्नल अप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट प्राप्त होगा वो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, यानी उसका रिवर्स हो जाएगा। वैसे मान लीजिए आपने इस पर कोई सिग्नल ये अप्लाई किया तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाता है। लेकिन जो आपका नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल, नॉन इनवर्टिंग मतलब इन्वर्ट नहीं होना, यानी कि इनपुट पर जैसा सिग्नल हम अप्लाई करेंगे आउटपुट पर भी सेम वैसा ही सिग्नल मिल जाएगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो पॉजिटिव साइन वाला जो टर्मिनल होगा वो कहलाएगा नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल और जो निगेटिव साइन के साथ जो टर्मिनल बना हुआ है वो आपका इनवर्टिंग टर्मिनल है। तो ये दिस इज द सिंबल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कुछ बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सम जैसे नॉर्मली होता क्या है कि बच्चों हम लोग जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ पे जो यूज़ करते हैं जो आइडली होती है वो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करते हैं। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपेम, पहला है कि जो इसका इनपुट इम्पीडेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। आइडियल के केस में या तो इनफाइनाइट होगा या तो जीरो होगा, और जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है इनफाइनाइट हो सकता है और कम से कम क्या हो सकता है जीरो हो सकता है। तो जो आपका आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मैं बात कर रहा हूँ, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, मतलब मैक्सिमम या तो मिनिमम, या तो जीरो या तो इनफाइनाइट। तो जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है और जो आपका आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो आपका जीरो होता है। उसके बाद जो गेन होता है बच्चों, जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है। जो आपका बैंडविड्थ होता है बच्चों, बैंडविड्थ क्या होता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है, कितनों भी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो मैक्सिमम अधिक से अधिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने का काम करता है, तो बैंडविड्थ जो होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है। जो टर्म है CMRR जिसको बोलते हैं कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो,
कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। मतलब ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का होता है वो आपका जो है कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने की एबिलिटी को शो करता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एबिलिटी दर्शाता है। तो CMRR जो होता है बच्चों ये इनफाइनाइट होता है। और एक टर्म और बच्चों स्लीव रेट जो आप आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो स्लीव रेट होता है, तो बच्चों स्लीव रेट क्या होता है, स्लीव रेट जो होता है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज टू द टाइम, ठीक है। तो ये आपका स्लीव रेट जो होता है ये भी आपका आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में इनफाइनाइट होता है। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दैट मींस इनपुट इंपेडेंस इज इनफाइनाइट, आउटपुट इंपेडेंस इज स्लो, एंड गेन इज आल्सो इनफाइनाइट, एंड बैंडविड्थ इज आल्सो इनफाइनाइट, एंड CMRR इज आल्सो इनफाइनाइट, एंड स्लू रेट इज आल्सो इनफाइनाइट। सो नाउ आफ्टर टुडे we will discuss about the concept of the virtual short circuit in operational amplifier, and now we will discuss about the block diagram of operational amplifier, and after that we will learn about the application of operational amplifier, for example adder, subtractor, multiplier, integrator, scale changer, buffer, something like that, like logarithmic scale में भी इसका use किया जाता है। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों, गुड बाय, गुड नाइट।